उत्तर प्रदेश का जिला बरेली मंगलवार की रात एक भीषण सड़क हादसे से हिल गया। सीबीगंज थाना क्षेत्र के मथुरापुर इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने अल्टो कार में टक्कर मार दी। हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट इतना भयावह था कि रात में गाड़ी को काट काट कर शवों को बाहर निकालना पड़ा। मरने वालों में 22 वर्षीय ताजीम, 23 साल के कामरान और 22 वर्षीय सोनू उर्फ अदनान शामिल हैं। 20 वर्षीय जुनेद की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात हुए इस हादसे से बरेली एक बार फिर दहल गई है। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के ये चारों दोस्त कामरान का जन्मदिन मनाने के लिए गाड़ी से घूमने निकले थे, जहां मथुरापुर में एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने इनकी अल्टो कार में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर फौरन ही पुलिस पहुंच गई। इस बीच हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। भारी भीड़ के बीच पुलिस ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी बुरी तरह से गाड़ी में फंसे हुए थे कि बाद में गाड़ी को काट काट कर उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस चारों को लेकर अस्पताल पहुंची। एसपी सिटी राहुल भाटी के मुताबिक जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया है और गंभीर रूप से घायल जुनेद का इलाज चल रहा है। आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को थाना सीबीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मथुरापुर के निकट शहर से झुमका चौराहे की तरफ जाने वाले दिल्ली हाईवे पर दो वाहनों डीसीएम एवं ऑल्टो के मध्य में एक दुर्घटना हो गई। डीसीएम वाहन झुमका चौराहे से शहर की तरफ आ रहा था एवं ऑल्टो वाहन शहर से झुमका चौराहे की तरफ जा रहा था। ऑल्टो गाड़ी में सवार चार युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया था। इनमें से तीन युवकों की मृत्यु हो गई है। थाना सीबीगंज द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चारों दोस्त शाही के मोहल्ला नूरी नगर के रहने वाले हैं। दुर्घटना में घायल जुनेद को गंभीर हालत में बरेली के मिनी बाईपास स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में एक्सीडेंट की खबर से नूरी नगर मोहल्ले में हड़कंप मच गया और मोहल्ले में चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। बदहवास माँ बाप बच्चों के एक्सीडेंट की खबर सुनकर तड़प उठे और उन्हें देखने के लिए बरेली की ओर भागे। बरेली में जहां जवान बच्चों की लाशें देख कर वे गश खाकर गिर पड़े। किसी तरह लोगों ने उन्हें ढांढस बताया, लेकिन जवान बेटों की मौत पर इतनी आसानी से सब्र कहां आता है। उधर पुलिस देर रात तक हाईवे से दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटाकर जाम खुलवाने में जुटी रही। दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस बीच पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में जहां मंगलवार की रात ये एक्सीडेंट हुआ है, उसी क्षेत्र में पहले भी सड़क हादसे सामने आते रहे हैं और अब एक बार फिर बड़ी दुर्घटना सामने आ गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ जवान बच्चों को खोकर माता पिता बदहवास हैं और उनके घर वाले बिलख रहे हैं। शाही का नूरी नगर जहां रात से मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। बताते हैं कि तीनों मृतक दोस्त आपस में रिश्तेदार थे। खुशहाल परिवारों को जो इतना बड़ा सदमा मिला है, उसे माता पिता पूरी तरह से टूट गए हैं और पूरे इलाके में रोने बिलखने की आवाजें गूंज रही हैं। पुलिस कानूनी प्रक्रिया में लगी हुई है और पोस्टमार्टम के बाद इनके शव परिवारों को सौंप दिए जाएंगे।